इंडियंस की अगर बैटिंग देखे ना जो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जी कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत बड़ी बड़ी हिटें मारने की कोशिश कर रहे हैं कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सिंगल पे जा रहे हैं। अगर बीच में कोई एक लूज बॉल मिल गई उस पर हिट मारने की कोशिश करते हैं बड़ी, लेकिन इनका टारगेट भी यही है कि अगर हम 150 और 160 के दरमियान रहे तो इस पिच पे ना अच्छा ये टोटल है उस पर डिपेंड कर सकते हैं। आदिल रशीद को पहले ओवर में 10 हो गया जी। उसके बाद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, उनको हिट नहीं मार रहा था वो कोई, और उसमें उस रॉन्ग वन पे उसने उसको बोल्ड भी किया है शर्मा, रोहित शर्मा को जी। तो हिट नहीं मार सक रहे थे। तो इंडिया के पास भी तीन स्पिनर हैं, उनको पता है कि जी हमारे पास तीन स्पिनर हैं, हम 12 ओवर करा सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल में अगेंस्ट स्पिनर गोरों को हिटे मारना ना इतना आसान नहीं रहेगा, और बाकी दो उनके फास्ट बॉलर हैं बुमराह, और जिस तरह की बात हो रही थी कि जी अगर पिच रफ हो जी, आज तो वैसे धूप नहीं है, अगर थोड़ी थोड़ी रिवर्स हो जाएगी, हाँ थोड़ी सी 50% तो है ना, पिच तो रफ है ना तो बाकी उनका शायद तो वो चल जाएगा उस पे गुजारा, बाकी शायद मौका ना मिले आज, शायद मौका ना मिले स्पिनर काम दिखा रहे जी। स्पिनर्स का ना आज दिन ने कहे जी इस पे, वरना अगर उनको ये लग रहा होता ना कि ये 170-180 की पिच है तो उनका खेलने का स्टाइल है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता, वो चांस लेते भी, चार विकेटें गिरी हैं, अभी विकेटें बहुत हाथ में। हार्दिक पांडे आउट हो गए हैं मुझे बताया जा रहा है, 12 बॉल पे उन्होंने 23 रन स्कोर किए हैं जी, एक्सीलेंट इनिंग्स, क्योंकि यही जो उनसे चिप इन है ना इस छोटे से स्कोर में बड़ा ज़बरदस्त है, और ये थ्रू आउट ये ऐसा प्लेयर है हार्दिक पांड्या कि जो हर मौके पे आके ना क्रूशल मौके पे जहाँ भी इंडिया को जरूरत हो तो ये अपना ना रोल बैट से भी और बॉल से भी दोनों से ना ये अदा करने की कोशिश करता है और बहुत कामयाब रहा है। बिल्कुल जी, बहुत कामयाब रहते हैं, इनकी बहुत सारी शानदार इनिंग्स हैं, कुछ तो पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं जो ज़्यादा याद रहती हैं।